हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट नामा। आज है 1 जनवरी और मैं आपको बताने वाला हूँ 2019 का सबसे एक्टिव स्टॉक्स के बारे में। ये स्टॉक्स हमेशा न्यूज़ में रहा है और इसके अंदर अभी भी न्यूज़ का फ्लो जारी है। ये और कोई स्टॉक्स नहीं, ये यस बैंक है। यस बैंक मेरे भी पोर्टफोलियो में है। आप जैसे हज़ारों आम निवेशक जैसे यस बैंक में फंसे हुए हैं, वैसे ही मैं भी एक आम निवेशक हूँ और मैं भी इसमें फंसा हुआ हूँ। तो आइए जानते हैं कि आपके और मेरे जैसे आम निवेशक के पास क्या ऑप्शन है यस बैंक मैं में। इसमें मैं आपको आपको अपना अपना ओपिनियन ओपिनियन बताऊंगा बताऊंगा कि कि आपको आपको क्या क्या करना करना चाहिए, चाहिए, लेकिन लेकिन आप आप वही वही कीजिए कीजिए जो जो आपको आपको सही सही लगता लगता हो। हो। मैं मैं आपको आपको ये ये भी भी बताऊंगा बताऊंगा कि कि मेरे मेरे पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो में में जो जो यस यस बैंक बैंक का का शेयर शेयर है, है, मैं मैं उसके उसके साथ साथ क्या क्या करने करने वाला वाला हूँ। हूँ। ये ये सब सब कुछ कुछ देखने देखने के के लिए लिए आपको आपको आखिरी आखिरी तक तक ये ये वीडियो वीडियो जरूर जरूर देखिए। देखिए। ये ये सब सब जानने जानने से से पहले पहले मैं मैं आपको आपको फ्लैशबैक फ्लैशबैक में में ले ले चलता चलता हूँ हूँ और और बताता बताता हूँ हूँ कि कि कैसे कैसे आम आम निवेशक निवेशक गलती गलती करते करते हैं हैं और और फंस फंस जाते जाते हैं। हैं। तो तो सबसे सबसे पहला पहला गलती गलती जो जो आम आम निवेशक निवेशक करते करते हैं हैं वो वो अपना अपना प्रॉफिट प्रॉफिट बुक बुक नहीं नहीं करना। करना। जब जब आम आम निवेशक निवेशक 20, 20, 30 30 और और 40%40% के के प्रॉफिट प्रॉफिट में में रहते रहते हैं हैं तो तो अपना अपना प्रॉफिट प्रॉफिट बुक बुक नहीं नहीं करते करते हैं। हैं। जैसा जैसा कि कि मैंने मैंने भी भी यस यस बैंक बैंक के के शेयर शेयर में में किया किया था। था। जब जब मैं मैं 40%40% के के ऊपर ऊपर प्रॉफिट प्रॉफिट में में था था तो तो मैंने मैंने अपना अपना प्रॉफिट प्रॉफिट बुक बुक नहीं नहीं किया किया था। था। दूसरा दूसरा गलती गलती जो जो आम आम निवेशक निवेशक करते करते हैं हैं वो वो स्टॉप स्टॉप लॉस लॉस नहीं नहीं लगाते लगाते अपने अपने शेयर शेयर में। में। मैंने मैंने भी भी यस यस बैंक बैंक में में स्टॉप स्टॉप लॉस लॉस नहीं नहीं लगाया लगाया था। था। स्टॉप स्टॉप लॉस लॉस शेयर शेयर मार्केट मार्केट में में इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का का एक एक बेसिक बेसिक रूल रूल है है जिसे जिसे हर हर निवेशक निवेशक को को स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली फॉलो फॉलो करना करना चाहिए। चाहिए। अगर अगर आप आप लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म के के लिए लिए इन्वेस्ट इन्वेस्ट करते करते हैं हैं किसी किसी शेयर शेयर में में तो तो आपको आपको अपना अपना स्टॉप स्टॉप लॉस लॉस थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे लेना लेना चाहिए। चाहिए। अगर अगर आप आप शॉर्ट शॉर्ट टर्म टर्म में में किसी किसी शेयर शेयर में में प्ले प्ले करते करते हैं हैं तो तो आपको आपको अपना अपना स्टॉप स्टॉप लॉस लॉस करेंट करेंट मार्केट मार्केट प्राइस प्राइस के के आसपास आसपास लेना लेना चाहिए। चाहिए। इससे ये इससे होगा होगा कि कि जब जब उस उस शेयर शेयर में में वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी आएगी आएगी तो तो आप आप मार्केट मार्केट से से एग्जिट एग्जिट कर कर जाइएगा जाइएगा और और आपका आपका पैसा पैसा बच बच जाएगा। जाएगा। तीसरा तीसरा गलती गलती जो जो आम आम निवेशक निवेशक करते करते हैं हैं वो वो किसी किसी शेयर शेयर में में बहुत बहुत लालची लालची हो हो जाते जाते हैं। हैं। जब जब आम आम निवेशक निवेशक 20%, 20%, 30%, 30%, 40% 40% के के प्रॉफिट प्रॉफिट में में रहते रहते हैं हैं तो तो वो वो उस उस शेयर शेयर पे पे बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा लालची लालची हो हो जाते जाते हैं हैं और और उन्हें उन्हें लगता लगता है है कि कि उनका उनका पैसा पैसा दो दो गुना, गुना, तीन तीन गुना गुना और और चार चार गुना गुना हो हो जाएगा। जाएगा। ऐसा ऐसा मुझे मुझे भी भी यस यस बैंक बैंक के के शेयर शेयर में में लगा लगा था था जब जब मैं मैं 40%40% के के प्रॉफिट प्रॉफिट में में था। था। तो तो आपको आपको क्या क्या लगता लगता है है कि कि आपने आपने भी भी ये ये गलतियाँ गलतियाँ की की है है या या आपको आपको लगता लगता है है कि कि आम आम निवेशक निवेशक ये ये गलतियाँ गलतियाँ करते करते हैं? हैं? तो तो आप आप कमेंट कमेंट करके करके जरूर जरूर बताइए। बताइए। तो तो चलिए चलिए मैं मैं आपको आपको उस उस सवाल सवाल का का जवाब जवाब देता देता हूँ हूँ कि कि आम आम निवेशक निवेशक यस यस बैंक बैंक में में क्या क्या कर कर सकते सकते हैं। हैं। आपने आपने अगर अगर यस यस बैंक बैंक को को करेंट करेंट मार्केट मार्केट प्राइस प्राइस से से ऊपर ऊपर ले ले रखा रखा है, है, बाई बाई किया किया है, है, तो तो आपको आपको होल्ड होल्ड करना करना चाहिए चाहिए क्योंकि क्योंकि आपके आपके पास पास और और कोई कोई ऑप्शन ऑप्शन नहीं नहीं है। है। आप आप सेल सेल कर कर सकते सकते हैं हैं अगर अगर आप आप लॉस लॉस सहने सहने की की क्षमता क्षमता रखते रखते हैं हैं तो। तो। मगर मगर मेरा मेरा ओपिनियन ओपिनियन यही यही है है कि कि आपको आपको होल्ड होल्ड करना करना चाहिए चाहिए क्योंकि क्योंकि कुछ कुछ दिन दिन पहले पहले इंडियन इंडियन रेटिंग रेटिंग एजेंसी एजेंसी ने ने यस यस बैंक बैंक के के एसेट एसेट को को डाउनग्रेड डाउनग्रेड किया किया था था लेकिन लेकिन उस उस डाउनग्रेड डाउनग्रेड का का भी भी यस यस बैंक बैंक के के लिए लिए कुछ कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव साइड साइड है है उसमें उसमें जैसा जैसा उसने उसने मेंशन मेंशन किया किया है है कि कि कैसे कैसे यस यस बैंक बैंक का का शेयर शेयर और और अर्निंग अर्निंग पर पर शेयर शेयर तो तो बहुत बहुत गिरा गिरा है है लेकिन लेकिन उसका उसका बिजनेस बिजनेस अभी अभी भी भी स्टेबल स्टेबल है। है। उसका उसका बिजनेस बिजनेस में में उतना उतना नहीं नहीं गिरावट गिरावट आया आया है है जितना जितना उसके उसके शेयर शेयर प्राइस प्राइस में में आया आया है। है। तो तो अगर अगर यस यस बैंक बैंक जनवरी जनवरी में में फंड फंड रेज रेज कर कर पाता पाता है है तो तो आपको आपको उसके उसके शेयर शेयर प्राइस प्राइस में में उछाल उछाल देखने देखने को को मिल मिल सकता सकता है। है। अगर अगर आपने आपने यस यस बैंक बैंक को को करंट करंट मार्केट मार्केट प्राइस प्राइस जो जो कि कि 46 और 47 रुपये के के बीच बीच में में ट्रेड ट्रेड कर कर रहा रहा है है अगर अगर उसके उसके नीचे नीचे आपने आपने बाइक बाइक किया किया है है तो तो आपको आपको 40 या 41 40 या 41 के के लेवल लेवल पे पे स्टॉप स्टॉप लॉस लॉस लगा लगा के के इसको इसको होल्ड होल्ड करना करना चाहिए चाहिए क्योंकि क्योंकि अगर अगर ये ये 40 का 40 का40 का लेवल लेवल तोड़ता तोड़ता है है तो तो हो हो सकता सकता है है कि कि अपने अपने पिछले पिछले प्रीवियस प्रीवियस जो जो इसने इसने लो लो बनाया बनाया था था 29 29 का का उसको उसको टच टच कर कर सकता सकता है है तो तो आपको आपको 40 या 41 40 या 41 के के लेवल लेवल पे पे स्टॉप स्टॉप लॉस लॉस लेके लेके होल्ड होल्ड कर कर सकते सकते हैं। हैं। अब अब मैं मैं आपको आपको अपने अपने बारे बारे में में बताने बताने वाला वाला हूँ हूँ कि कि मेरे मेरे पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो में में जो जो यस यस बैंक बैंक का का शेयर शेयर है है मैं मैं उसके उसके साथ साथ क्या क्या करने करने वाला वाला हूँ हूँ जो जो 50% पचास परसेंट का का लॉस लॉस दिखा दिखा रहा रहा है। है तो तो मैं मैं आपको आपको बताना बताना चाहता चाहता हूँ हूँ कि कि यस यस बैंक बैंक को को मैं मैं लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म के के लिए लिए होल्ड होल्ड करने करने वाला वाला हूँ। हूँ तो मैं आशा करता हूँ कि जैसे मैं अपने